हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग फरजाना। आज बनाएंगे ढाबा स्टाइल में बनने का बहुत टेस्टी अभी स्पाइसी चिकन खीर रोस्ट। इसके वास्ते साफ करके रखे सो आधा केजी चिकन पीसेस में 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून नमक, 1 स्पून नींबू का रस, 3 स्पून दही डाल लेना। मैं फ्रेश वाला दही लेती हूँ, एक कदा खट्टा वाला दही यूज़ करते हैं तो नींबू का रस डालने का ज़रूरत रहता नहीं। जरे पुदीना के पत्ते, वैसा जरे कोथिमीर के पत्ते डाल को एक बार अच्छा मिला को मिनिमम आधे घंटे के वास्ते किचन प्लेटफॉर्म पर मैरिनेशन को रख लेना। तब तक मसाला रेडी कर लेंगे। पैन में 1/2 स्पून जीरा, 4 काली मिर्च के दाने, 1 बड़ी लौंग, 2 कटे सूखे लाल मिर्च डाल को 30 सेकेंड के वास्ते लो फ्लेम को ट्राई रोस्ट कर लेना। उसके बाद इसका एक फाइन पाउडर बना को रख लेना। कड़ी में 5 स्पून घी गरम कर लेना। आधे घंटे से मैरिनेट होता है तो चिकन को दाल को मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर कर को 3 मिनट के वास्ते, नहीं तो चिकन से पानी छूटे तक पका लेना। ऐसा पानी छूटते तक बना को रखे सो पाउडर भी डाल लेना। अब चिकन को पूरी तरह से नरम गल गए तक पका लेना। कवर कर को बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर, नहीं तो ऐसा घी ऊपर फ्लोट हुए तक पका लेना। 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून चिकन मसाला पाउडर डाल को फ्लेम को हाई के ऊपर रख ले को कंटिन्यू से 3 मिनट के वास्ते चला लेना, नहीं तो टॉस कर ले सकते। और को पतले स्लाइसेस में कट करे सो प्याज, 1 स्पून बारीक कट करे सो लहसुन को डालना। अब फिर को 1 मिनट चला लेने के बाद जरे करी पत्ते कोथिमीर डाले तो बन गया हमारा ढाबा स्टाइल में चिकन घी रोस्ट। इसे तुम्हें रोटी, चावल, फुल्का, पुलाव, नान किसके साथ भी सर्व कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लीव योर वैल्यूबल कॉमेंट्स। बाय।